नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भरत के डॉग्स में। ये मेरे भोटिया डॉग्स हैं डब्बू और डॉली। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, डब्बू और डॉली की फाइट हुई थी लेपर्ड से, जिसमें डॉली के थोड़े दांत दांत लग गए थे लेपर्ड के। डॉली की दवाई वगैरह हो रही है सब, अब काफ़ी ठीक है वो, पर फिर भी वो अपना पूरा 100% देती है। एक भाई का मुझे कमेंट्स आया था कि डॉग काफ़ी पतले हैं आपके, तो मैं उनको बताना चाहूँगा यार, आजकल डॉग्स के पूरे बाल शेड होते हैं, जिस वजह से डॉग थोड़ा आजकल वीक टाइप का लगता है, पर जैसे उनका फुल कोट आता है डॉग फुल हैवी लगते हैं। उसके बाद आजकल कोट सेट है उनका, तो आजकल तो डॉग ऐसे लगेंगे। आजकल बरसात का मौसम है, तो आजकल काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं और खेतों में काफ़ी लंबे लंबे झंगोरा धान वगैरह हो रखे हैं, तो उसमें लेपर्ड को छुपने के लिए काफ़ी अच्छा हो रखा है आजकल। तो मैं आपको भोटिया डॉग की एक खासियत बताता हूँ आपको, अगर डॉली की जगह कोई दूसरा डॉग रहता, अगर उस पर दांत लग जाते लेपर्ड के, तो वो डॉग रात के टाइम बाहर ही नहीं निकलता, वो कहीं भी अंदर चले जाता और रात के टाइम पे बाहर नहीं निकलता। पर भोटिया डॉग की ये खूबी है, वो रात में ही बाहर रहेगा बस, और कितना भी खतरा आए कुछ आए वो डरेगा नहीं, चाहे उसकी जान ही चले जाए। दोस्तों, जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, तो जिनको बेसब्री से इंतज़ार था कि लेपर्ड कब दिखेगा हमें, तो दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है, आपको लेपर्ड देखने को मिलेगा इस वीडियो में। ये आया लेपर्ड नीचे से, और डॉग का एग्रेशन देख सकते हो दोस्तों, कितना जोर से दरवाजे को पुश कर। दोस्तों आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, जैसे डब्बू आया ना, फिर लेपर्ड तुरंत एकदम पीछे मुड़ के भाग गया, क्योंकि डब्बू की लेपर्ड से परसों की फाइट हो रखी है, इसीलिए लेपर्ड तुरंत भाग गया। लेपर्ड को लगा वहाँ एक या दो ही डॉग्स होंगे, और वहाँ अंदर थे शेरा, डॉली और डब्बू। तो आजकल डॉली पे थोड़ा इंजरी हो रखी है, तो उस वजह से डॉग्स को थोड़ा अंदर रखना पड़ता है, और शेरा भी अभी छोटा है, तो लेपर्ड का आपको दिख ही रहा होगा कितना खतरा है, तो कोई चांस नहीं लेना चाहता मैं, इसलिए आजकल थोड़ा मैं डॉग्स को रोटी खाने के बाद अंदर डाल देते हैं, फिर तब तक भारी रहते हैं खुले।